फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल। करते रहते हमेशा 15 दिन में 20 दिन में आगे टॉर्चर करते रहते, मैं तब भी खामोश बढ़ जाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलती। आप देखो तो 2 साल के आज से मैं आके रह रही हूँ बोल के बोले, तो मैं ससुर से बात कर रही थी, ससुर बोले नहीं रहते, 4-8 दिन रह के चले आते बोल के हमको ये बोले। बाद में से क्या करे बोल के बोले तो नई सामान ला रहे हम रह रहे हैं वो बोले, तो मैं बोली मेरे को नहीं बोले ना बोले तो आके मेरे को मारम थोड़ी करे, फुल मारे मेरे को। मैं मारे तो मैं क्या करी, सीधा पुलिस स्टेशन को चले गई, जाके वहाँ पर कंप्लेंट लिखाई, तो वहाँ से मेरे को सीधा उस्मानिया को भेजे, उस्मानिया को भेजे तो मैं वहाँ पर से पूरा टेस्ट आया ले लेके आई, वहाँ से जजी खाने को भेजे, ले लेके आके मैं घर को बैठी। साहब सुबह में आओ बोले, सुबह में बुला के क्या करे, सुन रहे नहीं हमारी, उन लोगों की सुन रहे, पहले कंप्लेंट मेरी है लेकिन मेरे को सुन रहे नहीं, पहले कंप्लेंट तो तीर मारी क्या पूछ रहे मेरे को, बदतमीजी पाना कर रहे, मेरे शौहर के साथ भी बदतमीजी पाना कर रहे, बाद से पहले मेरे शौहर को अंदर डालो बोल रहे, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे देख के डर रहे उनको, अंदर डालो बोले तो बाबा को चिपक जा रहे, बात सीधी नहीं करे। गाली कौन दिया पीएस में? उन्होंने साहब बोले वो एक तारे वाले साहब, क्या नाम है उनका, उनका नाम क्या है जी? अरशद अली साहब है उनका नाम, अरशद अली साहब है उनका नाम, मुसलमान के छे, उन्होंने दोनों की नहीं सुन रहे लेकिन उनकी सुन रहे, उन लगा जो बोल रहे लिखते जा रहे, मेरा लिखो बोल के बोले तो मेरे को बाजू की थरो बोल रहे, बहुत हुशार है बाजू की थरो, बहुत हुशार है बाजू की थरो बोल रहे, मेरी कुछ भी सुन रहे नहीं, और मेरे को 8 दिन में खाली कर देना बोल के टाइम दे रहे, मैं प्रेगनेंट हूँ, 8 दिन में सामान उठा के कहाँ जाऊँ मैं। ये जो घर आपको खाली करो बोल रहे, ये घर किसका है? मेरे ससुरे का है जी, उन्होंने भी वही बोल रहे खाली कर दो बोल के बोल रहे, मैं 8 साल से वहीं शादी कर रहे, जब से मैं एक बार भी बाहर नहीं गई। ससुरे ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, ननंद ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं? मेरे को नंदा भी टॉर्चर कर रहे, नंदाज टॉर्चर कर रहे मेरे को आके, ये नंदाज कर रहे, ये सब कर रहे, सो मेरे 4 नंदा मिल के कर रहे, शमीम, शाइन, आसिया, नाजिया, ये 4 जने मिल के कर रही है। जाके मैं कंप्लेंट लिखाई, मैं कंप्लेंट लिखा, हाँ कंप्लेंट लिए मेरी, कंप्लेंट लेके मेरे को दवाखाने को सब भेजे, सुबह में आओ बोले, सुबह में बुला के क्या कर रहे बोल के बोले तो ऐसा कर रहे कि मेरी सुन रही नहीं, मेरे हस्बैंड कुछ बात करते जा रहे, हुशार है वो है ये है बोल के बात करके हम गालियां देके काल दे रहे, अरी तुरी वो सब बोल दे रहे, कुछ भी सुन रही नहीं हमारी। हमने क्या उसके बाद वहां से हम लगा निकल के आ गए वहां से, नहीं बोले साहब को, हम लगा हम जा रहे बोल के भी नहीं बोले, मेरे हस्बैंड को बर्दाश्त नहीं आई, मेरे बच्चों को ले लेके घर को आ गए, घर के मेरे बच्चों को कुछ भी कर लेंगे अपन बोल के बोले, कुछ भी कर लेंगे बोले तो नहीं होता, हिम्मत से काम करेंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ बोल के मैं मेरे मर्द को हस्बैंड को समझा के मेरी माँ के घर में आ गई, पुलिस वाले आए तो मैं बात करती हूँ बोल के आ गई, मैं इज्जत नहीं दे रहे हमको और हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे, ऑप्शन कुछ भी नहीं उठा रहे हमारे खिलाफ, सब जो भी है उनकी सुन रहे, तो कानून क्या से बना भाई, दो तरफ ही सुनने क्या से बना, तो क्या हमारी नहीं सुनते, हम ये क्या इंसान, हमारी भी तो सुन सकते ना, मारे बोल के बोले तो बस्ती से, बस्ती वालों से पूछो, पुलिस वालों को भेज के बोले तो वो भी नहीं कर रहे, बहुत हुशार है खामोश थर, बहुत हुशार है खामोश थर, कहाँ की पैदाइश है ये सब कर रहे, कानून क्या ये सब पूछने क्या से बना, पैदा कहाँ हुए वो हुए क्या बोलने क्या से नहीं बना भाई, कानून ये सब मेरे साथ लैंग्वेज टेढ़ी टेढ़ी कर रहे हो, मैं निकल के आ गई, जो होता देखा जाता, मैं अगर ज़्यादा ऐसा कुछ भी करे बोले तो मैं मेरे बच्चों को ले लेके कुछ भी कर लेती हूँ, उसके जिम्मेदार 4 नंदा, मेरा ससुरा और मेरा जेठ भी है, मेरा जेठ पहले साथ में दिया फिर बाद में से वहाँ जाके मेरा हाथ छोड़ दिया, हाँ पहले बोला मेरा जेठ नको उतारो ननन को, मैं बोल रहा हूँ मेरा रूम है मेरे ननन मेरे रूम की देखभाली करो बोला, और वहाँ पर बोलो बोलो तो क्या कर रहा जेठ मेरा, खामोश बैठ जा रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा मेरा जेठ वहाँ पर, तो मेरा जेठ मेरा ससुरा और ये मेरे 4 नंदा मिल के मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे, अगर मैं कुछ भी कर लूँगी मेरा बच्चा मेरा शौहर मैं मिल के कुछ भी कर लेंगे तो उसके जिम्मेदार उल्लंघा है और कानून है, बस उसके हट के और कोई नहीं है।
कुछ भी बोलो तो भाई हुशियार है, पास से पले की बात नहीं, कम से कम होता है घर से तो हुशियार है, हुशियार है। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।